की जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है, तो जब 23 तारीख आएगी तब 25 किलोमीटर की हाइट से हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद की धरती की साइड उतरना चालू करेगा। अभी बता रहा था ना, इन्हीं को कहते हैं 17 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है इनको। तो सर, अब चंद्रयान उतरने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी सर? देखिए, अभी जो चंद्रयान है वो चांद से सबसे नज़दीकी जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है, तो जब 23 तारीख आएगी तब 25 किलोमीटर की हाइट से हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद की धरती की साइड उतरना चालू करेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ये तकरीबन 17 मिनट का रहता है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो उसकी स्पीड को कम किया जाएगा, वो उस वक्त तकरीबन 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो पहले थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा और उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। उसी वक्त उसके ऊपर जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, जितने भी कैमरास लगे हैं, उन सबको कैलिब्रेट भी कर लिया जाएगा, जिससे कि आगे आने वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे विक्रम लैंडर की स्पीड कम की जाएगी, पूरा प्रोसेस क्या सर? जो विक्रम लैंडर है, देखिए, वो मैं जो अभी बता रहा था ना, इन्हीं को कहते हैं 17 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है इनको। तो रहता क्या है कि जब फाइनली डिसाइड कर लेगा इसरो कि भाई अब वो समय आ गया है जब हमें चांद पर उतरना है, तो वहां पर एक कमांड फायर होगी, जब बताया जाएगा विक्रम लैंडर को कि अब आपकी चांद पर उतरने की जो जर्नी है वो चालू हो जाती है। उस पॉइंट से जब तक वो चांद पर उतर नहीं जाएगा तब तक वो सारे डिसीजन खुद उसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर लेगा। उसके ऊपर जो इंजन्स लगे हुए उनको फायर किया जाएगा। जब इंजन्स को फायर किया जाएगा तो वो धीरे धीरे विक्रम की स्पीड को कम करेंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब विक्रम इस पोजीशन से मूव करते करते ऐसी वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। वहां पर वो चांद की सतह से तकरीबन 800 मीटर ऊपर रुक जाएगा, होवर करेगा, फिर नीचे उतर के उसके कैमरास फोटो खींचेंगे, चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो चांद की सतह को टच कर जाएगा। सर, इसरो जो दावा कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लैंड तो हम हर हाल में करेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, एक्चुअली जो चंद्रयान 2 में हमसे गलतियां हुई थी, हमने उन सारी गलतियों को बहुत बारीकी से पढ़ा है। तो चंद्रयान 2 में हमने जो डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन ऐसा था जहां पे हमने ये माना था कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो सक्सेसफुल मिशन को ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया था। लेकिन चंद्रयान 3 के केस में हमने जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन हमने ये मान के किया कि अगर कोई भी एक पार्ट फेल हो जाए, कोई सा भी पार्ट, तो क्या हम फिर भी लैंडिंग करवा पाएंगे। इसके चलते हमने सारे सिस्टम को, चाहे सेंसर हो, लैंडिंग प्रोसेस हो, थ्रस्टर्स हो, उसके एंटीनाज हो, कम्युनिकेशन पार्ट हो, हर चीज़ को एकदम सॉलिड बना दिया। रेदर हम तो इस बार ज़्यादा फ्यूल लेके जा रहे हैं, जिससे कि अगर इन केस प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाए और हमें उड़कर आगे भी जाना पड़े तो वो डिसीजन भी चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर है अपना वो ले लेगा। चंद्रयान 2 में क्या ऐसी गलती हुई थी जिसे चंद्रयान 3 में ठीक कर दिया गया? देखिए, चंद्रयान 2 में जो थ्रस्टर्स थे, जब एक कैमरा पोस्टिंग फेज आता है, जब वो चांद की फोटो हम खींचते हैं, उन फोटोज को हम हमारे पास जो फोटोज हैं उनसे कंपेयर करके देखते हैं कि भाई हम सही जगह तो जा रहे हैं। तो वो जो पार्ट था, वो 38 सेकंड का पार्ट था, उसके अंदर हुआ ये था कि एरर्स आने लग गए थे। अब उन एरर्स के आने के चलते जो हमारा कंट्रोल था चंद्रयान 2 के ऊपर वो थोड़ा सा बिखर गया था। अब हमने चंद्रयान 3 में उस मैकेनिज्म को इतना रोबस्ट कर दिया है कि वो एरर्स को बनने ही नहीं देगा, वो उनको रियल टाइम उसी वक्त सही कर देगा।